नमस्कार आप सभी को। मैं मिथुन विश्वास, एमवीए डूनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और आज हम इसके लास्ट वीडियो पर हैं जहां कुछ शेष प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज प्रिंसिपल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। जो टोटल प्रिंसिपल्स हैं उनमें से हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यहाँ से आज हमें देखना है। तो एट प्रिंसिपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट। नाइन्थ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। Let us see the ninth one and let us move on. Ninth one is principle of developmental direction. कि development की direction क्या होती है? Body में अगर देखें specifically, तो development की direction होती है cephalocaudal sequence एक तो, और दूसरी हमें पढ़ना है proximodistal. इसके लिए diagram देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं cephalocaudal, cephalo मतलब होता है हम हेड की बात करते हैं, क्वाड्रल का मतलब हम लिम्स की बात करते हैं, या हम बैक लिम्स की बात करते हैं। तो सिफेलोक्वाड्रल मतलब जो डेवलपमेंट है उसका डायरेक्शन होता है हेड से टोज की तरफ, सिर से पैर की ओर। अगर हमने कभी जो सीटी स्कैन वगैरह होता है या सोनोग्राफी हम बोलते हैं, उसमें अगर हम बेबी का स्ट्रक्चर देखें या फिर हमने कभी डायग्राम्स में देखा है तो हमें दिखता है हेड वाला पार्ट काफ़ी बड़ा होता है। हम एक फाइन ऐसे पार्ट को देखते हैं जब वो ग्रो होता है मदर वूम में, तो उसमें भी हेड वाला पार्ट जो होता है पहले डेवलप होता है और ग्रेजुअली वो दूसरे पार्ट, मतलब अगर हम फीटस में देखें या एम्ब्रियो कंडीशन में देखें तो हमें हेड वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना आसान होता है क्योंकि वो उतना डेवलप हो चुका होता है। सिमिलरली जब बेबी का बर्थ भी होता है तो हेड वाला पार्ट जो होता है सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है और ग्रेजुअली वो डेवलपमेंट फिर हेड से टोज की तरफ या हेड सिर से पैर की तरफ वो बढ़ता है। तो एक तो डायरेक्शन की बात ये हो गई कि हेड टू टोज या सिर से पैर की तरफ, सिफेलोकॉडल सीक्वेंस है ना। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम हेड टू टो एंड इंडिविजुअल बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम हेड रीजन एंड देन डाउनवर्ड्स। पहले हेड वाला रीजन डेवलप होता है फिर ग्रेजुअली डाउनवर्ड रीजन में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो एक तो ये सीक्वेंस हो गई, मतलब ऊपर से नीचे या हेड टू टोज हम बोल सकते हैं इसको। दूसरा है सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर, बाहर की ओर, आउटवर्ड। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इसको हम कहते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरी। तो सेंट्रल पार्ट में अगर हम देखें तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड वाला जो रीजन है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है और ग्रेजुअली वो डेवलपमेंट फिर पेरीफेरी में या आउटवर्ड मूव करता है। यस yes? तो ये दो पार्ट हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में, सिफेलोकॉडल सिर से पैर, यस yes? और प्रॉक्सिमोडिस्टल या हम बोले बीच से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, यस फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड द आउटवर्ड और पेरीफेरी ऑफ द बॉडी, यस जो लेटरल साइड्स हैं वहाँ पर यह मूव करता है। जैसे ये दूसरे डायग्राम में दे रखा है दैट सेंट्रल पार्ट यू कैन सी, यस एंड देन ग्रेजुअली इट विल मूव टुवर्ड्स द आउटवर्ड पार्ट और द लिम्स पार्ट और द लैटरल पार्ट ऑफ द बॉडी। हेयर इट मूव्स फ्रॉम हेड टुवर्ड्स द लेग्स और टोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। डेवलपमेंट प्रिडिक्टिबल है। अब डेवलपमेंट प्रिडिक्टिबल कैसे है, हमने ये बात की थी इन्हीं प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यस पैटर्न यूनिफॉर्म होगा, मतलब बच्चा पहले प्रॉपरली बैठना सीखेगा फिर ग्रेजुअली वो क्रॉलिंग सीखेगा, मतलब पहले तो पलटना ही सीखेगा फिर बैठना फिर क्रॉलिंग फिर सपोर्ट लेकर खड़े होना और फिर चलना, यस yes? तो ये जो प्रोसेस है ये हर एक बच्चे में ऐसे ही फॉलो होनी है। जो पैटर्न है, जो स्टेजेस है, ये जो स्टेप्स है, ये हर एक बच्चे में ऐसे ही फॉलो होनी है, ठीक। तो इससे प्रिडिक्टिबिलिटी हमारे लिए बनती है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट का अगला स्टेज क्या होगा या इसके बाद बच्चा क्या करेगा। कभी हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, कोई बुजुर्ग महिला आती है, बोलती देखना अब ये ऐसा होगा, अब इसके दूध के जो दांत हैं वो आएंगे या
जो फर्दर डेवलपमेंट है कि आप देखना ये क्रॉलिंग करने लगेगा, ऑल सच थिंग्स कैन बी प्रिडिक्टेड, एज हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पहले से आकलन लगा सकते हैं या फोरकास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ का जो पैटर्न है वो सब में कॉमन है, एक जैसा है, इसलिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रिडिक्शंस बनते हैं, जैसे अगर हम बचपन में ही देखते हैं कि बच्चा जो लॉजिकल चीज़ों में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, यस, या फिजिकल ग्रोथ उसकी अच्छी है, तो वी कैन से दैट कि ये इसका बॉडी बिल्ड जो होगा प्रॉपर होगा, या काफ़ी अच्छा इसका बॉडी स्ट्रक्चर इन फ्यूचर होगा। या फिर मेंटल एबिलिटी की बात करें, जो मैं बोल रहा था अभी कि लॉजिकल ब्रेन काफ़ी एक्टिव है बच्चे का, पजल सॉल्व कर रहा है, तो वी कैन प्रेडिक्ट दैट ही विल बी वेरी एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। मेंटल एबिलिटी जो लॉजिकल में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। छोटा सा बच्चा है, वो बचपन में ही अपनी पोएम्स बना रहा है और बोल रहा है, तो वी कैन प्रेडिक्ट दिस थिंग इन फ्यूचर दैट किड विल बी वेरी क्रिएटिव इन। तो हम एक आकलन जरूर लगा सकते हैं डेवलपमेंट की, आज की स्टेज को देखकर, आज के लेवल को देखकर आगे वाले लेवल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिडिक्टेबल है, वैसी चीजें होती है, कॉमनली देखी जाती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं इन फ्यूचर जो इस पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यस। तो प्रिडिक्टेबिलिटी तो है, पर कुछ स्पेसिफिक केसेस हों उसमें बात अलग हो सकती है। फिर लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो लीनियर ग्रोथ हम किसको, ग्रोथ में अगर हम देखें, तो अगर हम ग्राफ खींचें, मान लो हम बच्चे की हाइट के बीच में, यहाँ हमने बच्चे की हाइट ले ली है और यहाँ ले लिया टाइम, वी हैव टेकन अ ग्राफ, ठीक। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम ग्राफ, हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ हाइट भी उसके हिसाब से बढ़ेगी, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मिल सकता है हमें ग्रोथ में स्पेसिफिकली। लेकिन डेवलपमेंट ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट इज समथिंग स्पाइरल। स्पाइरल कैसे, अगर हमने कोई स्पाइरल चीज देखी होगी तो ऐसी होती है, वो सीधी ऊपर नहीं जाती या स्ट्रेट लाइन नहीं होती, यस। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल है? डेवलपमेंट स्पाइरल इसलिए है क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो अगले स्टेज पे पहुंच जाए, उसी स्टेज में वो थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए या थोड़े टाइम पीरियड के लिए होल्ड पे रहता है, या वहाँ वो रेस्ट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेज को कंसोलिडेट करने के लिए। सो वी कैन नॉट सी विद द टाइम दैट जो वो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो बिल्कुल मैच करेगा टाइम के साथ, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो वहाँ रुकेगा, तो टाइम वहाँ लगेगा, तो इट विल गो लाइक दिस। वी हैव अ डायग्राम दिस लाइक दिस, सी दिस इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से उसका डेवलपमेंट चालू हो रहा है, तो ऐसे सीधा ऊपर नहीं चला जाएगा, यस। सो इट विल एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वी कैन सी सच सच होल्ड पीरियड, इट वोंट गो स्ट्रेट, इट विल स्टे देयर फॉर अ टाइम पीरियड, दैट लेवल विल स्टे और विल बी ऑन होल्ड टिल दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज अचीव्ड प्रॉपरली, उसमें कंसोलिडेशन आ जाने तक वो स्टेज मेंटेन रहती है, वो लेवल मेंटेन रहता है, देन इट इज गोइंग फॉर दी नेक्स्ट लेवल और टू दी नेक्स्ट स्टेप। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जी ये जो टाइम पीरियड लग रहा है यहाँ पर ग्रोथ में या डेवलपमेंट में एक्चुअली, तो वो टाइम पीरियड किस लिए है कि जो डेवलपमेंट अचीव की है उसमें कंसोलिडेशन हो रहा जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चा लेटर्स बोलना सीखा और फिर दो लेटर से वर्ड बनाए, दो लेटर वाले वर्ड बोलना सीखा और फिर तीसरा, इट वोंट गो लाइक दिस। जब वो लेटर बोलना सीखा है तो लंबे पीरियड तक वो लेटर ही बोलेगा, यस, मतलब अनकंट्रोल्ड साउंड्स उसमें हमें देखने को मिलेगा। फिर एक उसके बाद वो जब वो लेवल हो जाएगा, उसमें कंसोलिडेशन हो जाएगा, देन इट विल कम टू द नेक्स्ट लेवल वेयर वेयर इट इट विल द बेबी विल स्टार्ट स्पीकिंग टू लेटर वर्ड्स, है ना, दो लेटर वाले वर्ड्स बोलना चालू करेगा, फिर वो बोलेगा लंबे समय तक दो लेटर वाले ही बोलेगा, एंड देन इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। इट मींस इट इट वोंट गो इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इट वोंट गो, इट विल गो लाइक अ स्पाइरल वे, यस। तो ये है डेवलपमेंट इज स्पाइरल, जो हम बात करें, इट इज नॉट लीनियर। सो एक रिकैप कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या सभी स्लाइड्स को एक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल या प्राइमरी या जनरल लॉज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं
नए चीजों को, जो चीजें हैं, जैसे कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन्हें जनरलाइज करने के लिए या कोई कॉमन कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, या उन्हीं प्रिंसिपल से हम फर्दर प्रिंसिपल्स या फर्दर कंसेप्ट डिराइव करते हैं. समथिंग विच इज कॉमन, विच इज जनरल, और अ काइंड ऑफ लॉ विच कैन बी एप्लीकेबल ऑन एवरी आस्पेक्ट्स व्हेन वी आर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर थिंग, तो उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हमें ये 11 प्रिंसिपल पढ़ना है. सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, या हम इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है वोम टू तुम, माँ के गर्भ से लेकर तो कब्र तक या मृत्यु तक हमें लगातार डेवलपमेंट की प्रोसेस से गुजरना है. कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हम में लगातार होता है, तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इट इज़ अ कंटिन्यूड प्रोसेस. यस, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट. हो सकता है हमारे घर में अंकल का एक बेटा है और बड़े पापा का एक बेटा है, जिनकी एज सेम है पर उनका ग्रोथ रेट अलग अलग दिख सकता है. इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, में हेरिडिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और जो उनको डाइट मिल रही है वो भी. तो रेट हमें एक जैसा सब में दिखे जरूरी नहीं है, उसमें डिफरेंस दिख सकता है. तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमें दिखता है जब हम डेवलपमेंटल रेट की बात करते हैं. फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब अगर हम उनको न्यूट्रिशन भी कॉमन दे दें, हम उन्हें सारे फैक्टर्स, हेरिडिटी भी, सेम पेरेंट्स के दो बच्चे हैं या फिर इवन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनको भी सारे फैक्टर्स एक जैसे अवेलेबल करवा दें, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट दे दें, तो भी उनकी जो उनका जो नेचर है वो अलग हो सकता है. हर एक इंडिविजुअल जो है यूनिक है, इसलिए उनका डेवलपमेंट भी यूनिक है. दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता हमें डेवलपमेंट में दिखाई देती है. देन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न. भले ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, लेकिन जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो हमेशा एक जैसा होता है. जैसे सबसे पहले जायगॉट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, यस, फिर फीटस बनेगा, और फिर ये सब में फॉलो होगा. यस, रेट कम ज़्यादा हो सकता है कि जो डेवलपमेंट किसी बेबी में 1 साल में दिख रहा है वो 8 महीने में भी किसी बेबी में दिख जाए, 9 महीने में दिख जाए, तो रेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्टेप्स वही होगी. मान लीजिए दो बच्चे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यस, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा पहली सीढ़ी चढ़ के पांचवी सीढ़ी पे चला जाएगा पीछे, वो भी वो सारी सीढ़ियां चढ़ेगा, मतलब स्टेप्स वो सारे स्टेजेस वो सारे पार करेगा. लेकिन हो सकता है कि वो तेजी से कर रहा है, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो तो सेम होगा, क्योंकि वो सारे स्टेजेस दोनों ही बच्चों को क्रॉस करना है डेवलपमेंट के. यस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस. इस पे हमने बात की थी कि जनरल रिस्पॉन्सेस पहले आते हैं और फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस पे जाते हैं. जैसे पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है रिस्पॉन्स देने में, जैसे बच्चा रोता है, या एक्साइटमेंट में भी वो पूरा हाथ पैर, पूरी बॉडी के साथ अपनी खुशी, पूरी बॉडी के साथ अपना दुख जाहिर करता है ना, मतलब रोता है. तो ये इनिशियल रिस्पॉन्सेज जो दिख रहा है वो ये जनरल रिस्पॉन्स है, पूरी बॉडी के साथ दे रहा है, लेकिन ग्रेजुअली जब बच्चा बड़ा होता है तो डेवलपमेंट के साथ वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, हंसता है या खुशी है तो वो अपने सिर्फ फेस से रिप्रेजेंट करता है, दुख है तो आंखों से रोता है, तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हो गए. दिस इज वॉट जनरल टू स्पेसिफिक. होल्ड करने के बारे में हमने बात की थी कि अगर बचपन में आप बच्चे के हाथ में कुछ भी देंगे, द बेबी विल होल्ड द थिंग इन द सेम वे, कोई भी चीज देते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जब वो बड़ा होता है तो स्पेसिफाइड होता है कि उसको ब्रश पकड़ना है तो स्पेसिफिकली किन फिंगर्स से पकड़ना है उसे, अगर आप क्रिकेट का बैट दे रहे हैं तो किस तरह से होल्ड करेगा, तो फिर स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सेस मिलते हैं अलग अलग चीजों के लिए. फिर है इंटीग्रेशन. भले ही ये होल्ड टू पार्ट की तरफ मूव करता है, मूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट जरूरी यही है कि होल्ड टू पार्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट का अल्टीमेट गोल होल टू पार्ट जाना है या जनरल टू स्पेसिफिक जाना है. बॉडी का अल्टीमेट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट का जो अल्टीमेट एम है वो है कि रेस्पॉन्सेस की जैसी जरूरत है वैसा रेस्पॉन्स बॉडी दे सके. अगर जरूरत पड़े होल बॉडी की तो दे सके, जरूरत पड़े पार्ट की तो दे सके, मतलब जनरल रिस्पॉन्सेस भी दे सके और स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस भी दे सके. जैसे अगर डांस करना है तो वी हैव टू यूज द इंटायर बॉडी. अब यहाँ पर इंटायर पार्ट हैज टू बी इन्वॉल्व, तो सारे पार्ट्स एक साथ इंटीग्रेट होके काम कर सके, ये भी जरूरी है. और स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स देना है, अगर किसी हमें सिर्फ हाई करना है, देन वी हैव टू डील विद अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की बात हो रही है.
इनका इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये बोलता है कि जितने भी डायमेंशन है, सोशल है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, मेंटल है, इमोशनल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये सारे डायमेंशन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, ये जो नेचुरली हमारे पास पोटेंशियल है, जितने रिसोर्सेस हैं, जिसे हम नेचर कहते हैं अपना, या हेरिडिटी कह लें, वो तब उतना डेवलप होगा जब उसका इंट्रैक्शन नर्चर के साथ या एनवायरमेंट के साथ एक्सपोजर जितना मिलेगा उतना डेवलपमेंट होगा। इसमें बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमने लिया था कि कोई बच्चा है जिसके घर पे हिंदी बोली जा रही है, सोसाइटी में हिंदी बोली जा रही है और स्कूल में भी हिंदी में बात की जाती है, तो उसका एक्सपोजर एक लैंग्वेज में हुआ तो उसको लैंग्वेज सीखने को एक ही मिलेगा, वो एक लैंग्वेज के डेवलपमेंट तक पहुँचेगा, ठीक है, या उसमें भी कितनी अच्छी हिंदी बोली जाती है उस लेवल तक पहुंचेगा, ठीक। दूसरा बच्चा जो है वो घर पे बंगाली बोली जा रही है, बाहर हिंदी बोली जा रही है सोसाइटी, और स्कूल जहाँ जा रहा है वहाँ इंग्लिश बोली जा रही है, तो नो डाउट उसे तीन लैंग्वेज का एक्सपोजर मिल रहा है। तो यहाँ इंट्रैक्शन जो है उतना ज़्यादा हो रहा है एनवायरमेंट के साथ, तो जो बेसिक फंडामेंटल रॉ मटेरियल चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए, वोकल कॉर्ड, टंग, माउथ, वो सब डेवलप्ड है। अब उसको जितना ज्यादा एक्सपोजर, जितना ज्यादा इंट्रैक्शन उसका एनवायरनमेंट के साथ होगा, उसका लेवल या उसका जो स्पान है वो उतना ही ज्यादा होगा। यस, तो एक बच्चा एक ही लैंग्वेज सीख रहा है सेम नेचर के साथ, सेम वोकल कॉर्ड के साथ, सेम माउथ के साथ, सेम टंग के साथ, दूसरा बच्चा तीन लैंग्वेज सीख रहा है, तो डिफरेंस कहाँ आ गया यहाँ पर? एक्सपोजर का, इंट्रैक्शन का। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, तो दो तरह से ग्रोथ या डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, एक तो होती है सिर से पैर तक, सिर से पैर की दिशा में सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, यस, जो हमने एग्जांपल से भी समझा, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर से बाहर की ओर, यस, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, इट बिगिंस एंड इट मूव्स टूवर्ड्स आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी और लेटरल साइड पे, ये मूव करता है सेंट्रल साइड से, जो कि इस डायग्राम से भी हमने समझा। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, नो डाउट, क्योंकि अभी हमने समझा कि जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है, वो एक जैसा है सब में, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चा आज जो है एक लेटर में अनकंट्रोल्ड साउंड निकाल रहा है, कल वो पूरा वर्ड बोलने लगेगा, यस, तो ये हमारा प्रिडिक्शन से ही बैठेगा कि आज एक लेटर बोल रहा है तो फिर वो वर्ड बोलेगा। हाँ, किसी तरह की डिजेबिलिटी है बच्चे में, या कोई ग्रोथ का कोई इशू है, या किसी तरह की समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो फिर नो डाउट वो प्रिडिक्टिव प्रिडिक्ट जो किया है वो शायद सही ना बैठे, लेकिन इन जनरल, या हम बोलें अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस या कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो, तो जनरल जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला स्टेज क्या होगा या उसका अगला स्टेज क्या होगा। वी कैन ईजिली predict the developmental stages or we can make a forecast, चाहे उसकी आज की potential देख के हम कल किस direction में वो आगे बढ़ने वाला है, हम उस way में भी बोल सकते हैं। आज बच्चा बहुत अच्छा हिंदी बोलता है या बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका language development बहुत अच्छा होने वाला है आगे, ये debate अच्छा कर लेगा, ये speech अच्छा दे देगा, ये बहुत अच्छा लिख लेगा। That kind of prediction we can easily make, that's why development, the principle of predictability says that development is predictable, we can make prediction on development because the general stages are there common in everyone. Okay, principle of spiral versus linear advancement, iske bare mein humne baat ki development aisa seedha nahi hai, aisa seedha upar chala jayega ki bol ek letter fir do word, do letter wale word fir pura sentence fir aisa ekdum straight line movement nahi hai development. हाँ, ग्रोथ की हो सकती है, अगर हाइट और हम वेट का ले लें तो हो सकता है जरूर कि टाइम के साथ लगातार बढ़े, लेकिन डेवलपमेंट की बात अलग है। डेवलपमेंट के केस में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी हमें स्पाइरल वे में दिखेगा डेवलपमेंट, क्योंकि मान लीजिए बच्चा चलना सीख गया तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगले स्टेप में झट से दौड़ना सीख जाए, मतलब ऐसे स्ट्रेट आगे नहीं बढ़ेगा, चलना सीख गया तो वो पहले सपोर्ट लेके चलेगा, फिर वो कंसोलिडेटेड मूवमेंट होगा उसमें, और फिर चलना अच्छे से सीख जाएगा, देन उसके बाद अगला लेवल आएगा, देन द नेक्स्ट लेवल वुड कम दैट इट द बेबी विल ट्राई टू मूव फास्टर एंड देन रन, वॉक फास्टर एंड देन रन। सो दिस मच वी अंडरस्टूड अबाउट ऑल द
principles of development. Hopefully all these parts help you to understand the concepts. अगर कुछ रह गया हो तो उसको भी हम एक्स्ट्रा वीडियोस बना के जोड़ लेंगे, क्योंकि अलग अलग किताबों में एक दो और एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है डेवलपमेंट के बारे में. सो दिस मच फॉर टुडे. आई एम मिथुन साइनिंग ऑफ नाउ. टेक केयर. बाय बाय.